बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। शहजादा सलमान के पास पहुँचे हुए हैं जी हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो कि सुनने में आ रही हैं उसको लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, कि इन्वेस्टमेंट जो है 2.2 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 2.8 डॉलर होने जा रही हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आज की वीडियो का थंबनेल है ये दो कंपनीज बड़े बड़े हाथ मारने में कामयाब। इन कंपनी इन कमिंग डेज में बड़ी हलचल हो रही है और आ सकती है। प्रॉफिट्स में दिन रात इजाफा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें कि ऐसी दो कंपनियां जो आपके सामने रख रहे हैं हम, ये कंपनियां जो हैं ये काफ़ी साइडलाइन थी और इनकी कुछ अच्छी खबरें देखने में आई हैं और ये कंपनियां जो है आगे काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं। ये कंपनी आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। पहली है जी PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ये देखें, इसका पहले काम ख़त्म हो चुका था, जो इसकी वर्किंग थी, जो इसका जो इसके यानी के काम वगैरह थे, इनकी वर्किंग थी, वो कन्वर्ट कर दी गई थी यूएई को कर दी गई थी। ये कंपनी बिल्कुल काम से फारिग हो गई। इसको काफ़ी लोड लोक लगे, बीच में लोग फंसे भी पड़े थे, बाद ने बेच दिया, बाद ने रख लिया। तो ये कंपनी की वर्किंग अब स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, और ये कंपनी अब देखें नए अपर कैप से अपर कैप्स लगा रही है और काफ़ी ऊपर है। तो लिहाजा इसमें जो अभी हैं जिनके पास पड़ा हुआ है निचले रेटों पे, वो इनको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि ये यहाँ पे करेक्शन ले सकती है, उसके बाद नया उछाल दे सकती है। उसे नंबर पे है जी AGP। ये PICT जो है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है। दूसरी है जी AGP, ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल की है और इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, इसका रिजल्ट आया। तो ये कंपनी जो है ये पहले भी बढ़ी थी, आज भी इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है और आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो लिहाजा इसमें जिनके पास पहले का पड़ा है प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें साथ साथ, और अगर डिप में आए तो फिर इसको उसी क्वांटिटी को आप रीबाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर खड़ी है प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।